रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस को लेकर अमेरिका समेत पश्चिमी देशों का रुख बेहद कड़ा रहा है। वहीं भारत के साथ रूस के संबंध इस दौरान बेहद अलग स्तर पर रहे हैं। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखा है। रूस इस समय भी यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा है। युद्ध के बाद पुतिन कम ही रूस के बाहर निकले हैं। इसी बीच एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर अमेरिका समेत पश्चिमी देश हिल सकते हैं। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि जल्द ही पुतिन भारत आ सकते हैं। पुतिन भारत में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले सकते हैं। आइए जानते हैं इस बात की अटकलें क्यों लगाई जा रही हैं। दरअसल दुनिया के 20 बड़े देशों वाला G20 शिखर सम्मेलन इस साल भारत में होने वाला है। इसे लेकर रूस के राजनयिक ने कहा कि भारत में G20 का होना रूस के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। उनके इस बयान के बाद ऐसा माना जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आ जाएं। अगर ऐसा होता है तो रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद पहली बार होगा जब पश्चिम के नेताओं के साथ पुतिन एक मंच पर होंगे। बता दें कि पिछले साल जब इंडोनेशिया में G20 शिखर सम्मेलन हुआ था तब पुतिन उसमें शामिल नहीं हुए थे। इस साल G20 शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर को भारत में होगा। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर भारत की ओर से विदेश मंत्रालय पहले ही कह चुका है कि अगर पुतिन जाते हैं तो वो स्वागत के लिए तैयार हैं। इसी बीच अब रूस के कार्यवाहक राजदूत रोमन बाबुश्किन ने भारत में होने वाली G20 सम्मेलन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जहां तक G20 शिखर सम्मेलन का सवाल है, हम इसे इस साल की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक मानते हैं। सभी तैयारियां चल रही हैं। आमतौर पर ऐसे सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति की योजनाओं की घोषणा उचित समय पर की जाती है। भारत में रूस के बड़े अधिकारी के इस बयान से कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद पुतिन भारत दौरे पर आ सकते हैं। गौरतलब हो कि बीते दिनों भारत और अमेरिका की बढ़ती करीबी को देखते हुए रूस फिर से भारत से अपने रिश्तों को मजबूत करने में लगा है। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर गए थे। इस यात्रा से वापस आने के कुछ दिनों बाद ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की थी। इस दौरान पीएम मोदी ने पुतिन से रूस में हुए सैन्य विद्रोह पर भी बात की थी। ऐसे में अगर पुतिन सितंबर में होने वाली G20 शिखर समिट में हिस्सा लेने भारत आते हैं तो एक बहुत बड़ी घटना होगी। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।